हम सभी जानते हैं कि हमारी गाड़ी में आजकल कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारी गाड़ी में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को या हमारी गाड़ी के अंदर होने वाली चीज़ों को सेंस करते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे डिटेक्ट करके हमारे ECU या ECM को बताते हैं। ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो उन सभी सेंसर्स से डेटा कलेक्ट करके गाड़ी में प्रॉब्लम आने पर ECM हमें चेक इंजन लाइट देता है, जिसके बाद हमें OBD स्कैनर को हमारी गाड़ी में कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद हमें एरर कोड्स के माध्यम से पता चलता है कि हमारी गाड़ी के कौन से सेंसर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारे सभी भाइयों के पास OBD स्कैनर नहीं होता है और कई बार हमें रास्ते के बीच में ही चेक इंजन लाइट आ जाती है, जिस कारण से हमें खुद अपने आप ही उन चेक इंजन लाइट्स के मतलब को पता लगाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 कॉमन कॉजेज़ के बारे में जिसकी वजह से चेक इंजन लाइट्स आती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में हमने एक ऐसी बोनस टिप रखी है जिसका यूज़ करके आप अपनी गाड़ी से बिना किसी OBD स्कैनर के चेक इंजन लाइट को हटा सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। हमारी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आने की सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है वो है लो बैटरी। जब हमारी गाड़ी में बैटरी का वोल्टेज 12.5 वाट से कम होता है तो हमारी गाड़ी में नॉर्मली चेक इंजन लाइट आ जाती है, विच इंडिकेट्स कि हमें बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है। कई बार हमारी गाड़ी के बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके लूज़ होने की वजह से भी चेक इंजन की लाइट आ सकती है। हमारी बैटरी में प्लस और माइनस के दो टर्मिनल लगे होते हैं जिन्हें हम नट और बोल्ट की मदद से टाइट करते हैं। कई बार वो प्रॉपरली टाइट नहीं होने पर वहाँ पर स्पार्क्स हो सकते हैं और वो स्पार्क हमारी गाड़ी में चेक इंजन लाइट की वजह बन सकते हैं। ये थी पहली वजह कि हमारी गाड़ी में चेक इंजन लाइट क्यों आती है। अब बात करते हैं दूसरी कॉमन कॉज के बारे में जिस वजह से हमारी गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आती है। अपनी गाड़ी में एक्सेसरी इंस्टॉल की हो जिसके लिए हमें कई बार गाड़ी के सॉकेट्स को रिमूव करना पड़ता है और गाड़ी की बैटरी कनेक्टेड होने पर जब हम सॉकेट्स को रिमूव करते हैं तो उस वजह से हमारी गाड़ी में कई बार चेक इंजन की लाइट आ सकती है। जब भी आप अपनी गाड़ी में कोई नई एक्सेसरी को इंस्टॉल करें तो मेक श्योर कि आप पहले बैटरी का टर्मिनल निकाल दें, उसके बाद गाड़ी की वायरिंग करें और उसके बाद अगेन उसे कनेक्ट करने के बाद ही गाड़ी की एक्सेसरी को चेक करें। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ जो हमारी तीसरी मोस्ट कॉमन कॉज है चेक इंजन लाइट आने की, फॉल्टी सेंसर। हमारी गाड़ी में कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जैसे कि हीट सेंसर, क्रैंक सेंसर, इंटेक मैनिफोल्ड का सेंसर, एग्जॉस्ट गैसेस का सेंसर वगैरह वगैरह। इन सेंसर्स में यूज़ होने की वजह से वेयर एंड टेयर आ जाता है या कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम तक धूप, गर्मी, धूल मिट्टी की वजह से ये सेंसर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार काम करना बंद कर देते हैं और ये एक बड़ी वजह बनता है हमारी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आने का। तो वेयर एंड टेयर की वजह से ये सारे सेंसर ख़राब हो जाते हैं जिस कारण हमारी गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आती है। इस तरह की चेक इंजन लाइट आने पर हमें तुरंत OBD स्कैनर की मदद से हमारी गाड़ी के ड्राइवर साइड के नीचे लगे OBD सॉकेट में OBD स्कैनर के सेंसर को लगा के और स्कैनर की मदद से हमें उसे चेक करना चाहिए। तीन पॉइंट्स के बाद अब हम बात करते हैं हमारे चौथे कॉमन कॉज के बारे में जिस वजह से हमारी गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आती है। वो है एक छोटी सी बात, जब कई बार हम गाड़ी को सर्विस सेंटर पर धुलवाने ले जाते हैं तो हम में से कई हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी को ज़्यादा साफ़ दिखाने के लिए बोनट खोलकर अंदर प्रेशर वॉश करवा देते हैं, जिस कारण से गाड़ी के कुछ ऐसे सेंसर जिनमें पानी नहीं जाना चाहिए वहाँ भी पानी चला जाता है। ज़्यादातर कार कंपनियाँ आजकल अपनी गाड़ी के इंजन में इंजन कवर देती हैं जिसके नीचे लगे जो कंपोनेंट्स हैं उनको पानी या किसी भी तरह के लिक्विड से भिगाना नहीं होता है, उन्हें सिर्फ ड्राई कपड़े से क्लीन किया जाना चाहिए। उन कंपोनेंट्स के आसपास पानी स्टोर हो जाता है और लेटली उसी वजह से हमारी गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आ जाती है। तो हमेशा गाड़ी धुलवाते समय ध्यान रखें कि बोनेट के अंदर पानी कम से कम लगवाएं और इस तरह की अगर चेक इंजन लाइट आती है तो बैटरी के टर्मिनल्स को निकाल दें और अपनी गाड़ी में कंप्रेस्ड एयर के द्वारा सभी सॉकेट्स को क्लीन करें, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें। हमारी गाड़ी में आने वाली चेक इंजन लाइट के लिए मोस्ट कॉमन कॉज है हमारी गाड़ी के इंटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम में किसी तरह की लीकेज का होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी गाड़ी एयर और फ्यूल के मिक्सचर पर चलती है, चाहे वो फ्यूल पेट्रोल हो या डीजल हो, और ये फ्यूल का मिक्सचर जो है वो पाइप्स के थ्रू इंजन तक लाया जाता है। अगर उनमें से किसी पाइप में किसी तरह का कोई होल या कोई कट लग जाता है तो इस कट की वजह से उन पाइप्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से वहाँ से एयर लीक होने लगती है। हमारे इंटेक मैनिफोल्ड का जो सेंसर है वो हमारे ECM को सिग्नल भेजता है और चेक इंजन लाइट
आती है। कि हमने पहले बताया था कि इस वीडियो के बाद एक बोनस टिप रखी गई है जो कि चेक इंजन लाइट से रिलेटेड है। जैसा कि हम कई बार किसी लंबे सफ़र में होते हैं जहां हमारे आसपास कोई भी सर्विस सेंटर या मैकेनिक मौजूद नहीं होता, ऐसे में अगर चेक इंजन लाइट आती है, कई बार हमारी गाड़ी चेक इंजन लाइट की वजह से चलते चलते बंद हो जाती है। फिर चाबी घुमाने पर सेल्फ तो काम करता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें गाड़ी की बैटरी का प्लस या माइनस या फिर दोनों टर्मिनल्स को निकाल के 15 मिनट से आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे तक वेट करना चाहिए। उसके बाद हम उस टर्मिनल को वापस बैटरी पर कनेक्ट करें, अच्छी तरह से मेक श्योर करें कि वो टाइट हो और फिर स्टार्ट करने की कोशिश करें। 90% चांसेस है कि आपकी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी गाड़ी में भी चेक इंजन लाइट आने पर वो परेशान ना हो बल्कि उसे समझ के उसकी सॉल्यूशन निकाल सकें।